भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भाजपा नेता विजय बघेल पर विश्वास जताते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दुर्ग संसदीय क्षेत्र से दोबारा चुनाव मैदान में उतारा है। लोकसभा सीट से विजय बघेल की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद एसीएन न्यूज से चर्चा करते हुए बीजेपी नेता विजय बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी ये सीट और भी बड़े अंतर से जीतेगी। नमस्कार, चुनावी चर्चा में एसीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जी हां, बता दें 3 महीना पहले सेमीफाइनल हुआ था चुनाव को लेकर के, देश की राजनीति को लेकर, और ये चुनाव जो लोकसभा का है ये फाइनल कहलाएगा और माना भी जाएगा और इसी में तय करेगी जनता की सरकार किसकी बनेगी। जी हां, बता दें लोकसभा चुनाव सामने है, बिगुल बज चुका है और प्रत्याशियों की घोषणा भी लगातार देखने को मिल रही है। इस दौरान भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी बनाए गए हैं विजय बघेल सर। जी हाँ, नर्म और सरल व्यवहार के धनी विजय सर एक बार पुनः लोकसभा मैदान में दुर्ग की जनता के दिलों में उतरने के लिए अभी मैदान पर है और हम चंद मिनट हम उनसे लेना चाह रहे हैं। उनका गला भी बैठा हुआ है, फिर भी हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले आपको टिकट मिलने पर बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका आपके सामने में एक पूरी दुर्ग भिलाई की जनता है, एक बार पुनः विश्वास करेगी। कितना आप कयास लगाते हैं कि दोबारा आपको फिर से विश्वास करेगी जनता? निश्चित रूप से पूरे 9 के 9 विधानसभा, बेमेतरा जिला, दुर्ग जिला पूरा इस लोकसभा क्षेत्र में है और उनका असीम प्यार मुझे भी पहले भी मिला है और निरंतर मिल भी रहा है। उसकी का प्रतिफल है कि आज राष्ट्रीय नेतृत्व में उनके प्यार के बदौलत ही, उनके स्नेह के बदौलत ही हमारे देवतुल्य जनता कर्मठ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई बहन युवा साथी, उसका प्रतिफल है कि एक बार फिर से राष्ट्रीय नेतृत्व सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, सम्माननीय नड्डा जी, सम्माननीय अमित शाह जी और पूरे चुनाव केंद्रीय समिति ने मुझ पर विश्वास करके एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया और हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय किरण देव जी और सभी प्रदेश के नेतागण फिर से एक बार विश्वास करके मुझे सौभाग्य दिया है, ये उसी का प्रतिफल है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जो विश्वास उन्होंने किया है उस पर 100% खरे उतरेंगे और इस सीट को पिछले समय से और अधिक मतों से अंतर से जीतकर भाजपा की झोली में डालेंगे। मुद्दे की बात तो करूंगी नहीं क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने काफी सारी योजनाएं लागू की है महिलाओं के लिए, निर्धनों के लिए, काफी तराइयों को उसका लाभ भी मिल रहा है, उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि वर्तमान में जो महतारी वंदन योजना है उसको लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है और एक ही नारा नरेंद्र मोदी जी को लेकर लगा रहे हैं। जहां तक मेरा सौभाग्य है कि घोषणा पत्र समिति के संयोजक के रूप में मुझे पार्टी ने दायित्व दिया और मैं लगभग 40 विधानसभा उसके लिए घूमा, सरगुजा संभाग पूरा, बिलासपुर संभाग पूरा, कुछ रायपुर के, कुछ बस्तर के, दुर्ग तो मेरा क्षेत्रीय है। इस तरह मैं सघन दौरा किया और नीचे स्तर के जो लोग हैं, चाहे वो फुटकर व्यापारी हो, पसरे वाले हो, सब्जी में बाजार में बैठने वाले हो, नई दुकान हो, धोबी दुकान हो, इस से लेकर ऊपर तक उद्योगपति हो, इनसे मैंने बात की, खिलाड़ियों से, कलाकारों से, छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी से, पत्रकार भाइयों बहनों से, सबसे मैंने विचार जाने और सरकार से उनको क्या अपेक्षाएं हैं, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, चाहे हमारी बहनें हैं, युवा हैं, सबसे मैंने ये कुछ अनुभव लिया और उनकी बातें सुनी और उसको अपनी जो मोदी गारंटी के रूप में संकल्प पत्र था उसमें शामिल किया हमारे राष्ट्रीय नेताओं के और प्रदेश के नेताओं के सहयोग से और उसका प्रतिफल भी मिला। और ये निरंतर माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार बनने के बाद उसको हम एक एक करके पूरा कर रहे हैं। तो जो विश्वास जनता ने की थी और उस विश्वास के आधार पे सरकार बनाई उस पर हम खड़े उतरे हैं, उतर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो लोकसभा चुनाव है उसका फायदा और ज्यादा मिलेगा और अधिक वोट से जीत कर। पिछली बार लगभग 3,91,900 कुछ वोट से जीते थे, अब लक्ष्य बड़ा है और बड़े लक्ष्य के साथ अंतर से हम जीतेंगे।
ये पूर्ण विश्वास है। और 11 की 11 सीट लोकसभा की पूरे छत्तीसगढ़ से आएगी, ये पूरा विश्वास है। सर, पूर्व का जो माहौल था वो कुछ और था, अभी वर्तमान में भाजपा सरकार राज्य में है, ऐसे में कांग्रेस की में संशय की स्थिति बनी हुई है, अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने कहीं ना कहीं में संशय बना है या खुलकर वो सामने नहीं आ रहे, हो सकता है कट्टर प्रतिद्वंदी सामने है इसलिए। यही तो अंतर है ना भाजपा और कांग्रेस में कि भाजपा कुछ सोचती नहीं है, अपने लय में चलती है, कई प्रकार के सर्वे होता है, कई प्रकार के इसमें सोच विचार होता है, उसके अनुसार प्रत्याशी तय होता है। और एक बार हो गया वो फिर बदलेगा नहीं, ये बहुत कम हुआ है। मगर कांग्रेस में असमंजस की स्थिति रहती, किसको बनाए, क्या करे, कैसे करे, बड़ा भाग चलता है बहुत सारा। तो ये दो अंतर है। और अभी 195 प्रत्याशियों का चयन हो चुका, पिछले बार भी लोकसभा में 21 प्रत्याशियों का 3 महीने पहले चयन कर दिए थे, अभी भी वही स्थिति है। और अभी और लिस्ट शायद 2-4-5 दिन में और आ जाएगी। ये दोनों अंतर है। और ठीक है, तो अपने परिपाटी में वो चलते हैं, हमारी परिपाटी ये है, तो कांग्रेस क्या कर रही है, कैसा कर रही है, हो जाने, जो भी है। कांग्रेस और भाजपा मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है यहाँ पे, दोनों वो चुनाव लड़ेगी, प्रत्याशी चाहे जो भी हो। एशियन के दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? मैं एशियन के दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग जरूर वोट जरूर डालिए, और जिस विश्वास के आधार पर हमारे देश के ही नहीं पूरे विश्व के प्रख्यात नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को निरंतर सेवा भाव से आगे ले जाने में सतत संकल्पित हैं, उनके हाथ को मजबूत करिए और आप सब कमल छाप में वोट डाल के और ज़्यादा देश आगे बढ़े, विश्व के शिखर पर ये देश पहुँचे, एक दिन विश्व गुरु बने, उसके लिए आप सब का सहयोग, आशीर्वाद, प्रेम सदा बने रहे, इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ध्रुव लोकसभा क्षेत्र से अधिकृत प्रत्याशी विजय बघेल सर, दोबारा सांसद बनने के लिए जनता से वो भी मांग रहे समर्थन और बता भी रहे हैं कि विश्व गुरु बनने के लिए बस को चंद महीनों का ही अंतर रह गया है, प्रदेश की और देश की जनता जो है विश्वास करेगी नरेंद्र मोदी पर। नमस्कार।